भूल जाते हैं। ये बॉलीवुड मुसलमान, अच्छा वैसे माशाल्लाह नोट कीजिएगा कि जितने मुसलमान फनकार है ना वहाँ पे टैलेंट सिर्फ उन्हीं में ज्यादा। मुसलमान बाद में है भाई, पहले भारतीय है, दे ऑल आर इंडियन फर्स्ट, आप क्यों भूल जाते हैं इस बात को? मुसलमान है जनाब, तो पहले हिंदुस्तानी तो है, तो तभी भारत वाले उनके साथ ये कर रहे हैं। कुछ और है जनाब, बाबा इकबाल ने हमें समझाया, पहले है इकबाल की बात और है, यही तो सजा में हम करते हैं। अब क्या होगा अगर फॉर एग्जांपल ये जितने मजहबी ये लोग हैं, अगर ये सऊदी अरब के, जिस तरह वो एक मैं मौलवी साहब को सुन रहा था, वो उनको गलत गलत नाम से, टेरोगेटरी नाम से मोहम्मद बिन सलमान को और उनकी फैमिली को कर रहे थे, अब इनके ऊपर बैन लग जाएंगे, ये ट्रैवल नहीं करेंगे। और जारी बात है जहां जहां मुसलमान इनकी सऊदी एम्बेसी है वो टारगेट देख रहे हैं कि इस इंप्रेशन को पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया में कैसे फील किया जा रहा है। सो जो मुसलमान जो तबलीगी जमात से लोग अटैच इन ममालिक में, उनके लिए मुश्किल वक्त आ गया। हेलो दोस्तों, कमर छीमा का आपने जो स्टार्टिंग में क्लिप देखा है उसका आगे की वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको एक चीज महसूस होगी कि ये बंदा भी बड़ा दोगला है, मतलब यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और ऑब्वियसली आदत होती है। इस वीडियो में बात हो रही है तबलीगी जमात के बारे में। तबलीगी जमात आपको पता होगा 1926 में मेवात हरियाणा में इसका मतलब शुरुआत हुई थी, और उसके बाद से ये लोग बेसिकली दावत देने की काम है, और जो गलत लोग हैं मतलब जो गलत मतलब अच्छे मुस्लिम नहीं है उनको सीधा सही मुस्लिम करने के लिए ऐसा कुछ इसका बनाया गया था। तो इसके बारे में तो बात नहीं करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर बात हो रही है जो सऊदी अरेबिया ने बैन लगाया तबलीगी जमात पर, उसको लेकर भारत पाकिस्तान बांग्लादेश मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी रिएक्शन आ रहे हैं, जिसको लेकर कमर चीमा बोल रहे हैं कि अब जो जो इस पर रिएक्शन दे रहे हैं उनको सऊदी अरेबिया जाने पर लगेगी पाबंदी, उन पर लग सकता है बैन, चाहे वो कितना भी बड़ा कोई मौलाना या काजी या किसी भी मस्जिद का जो भी इमाम वगैरह हो, सब पर लगेगा बैन। इस तरीके की बातें हो रही हैं। दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, बचपन में अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज सिखाई गई है जो कि गलत है बेसिकली, तो उसको आप अनलर्न करना मतलब उसको अनडू करना या अनलर्न करना जो भी करेक्ट वर्ड रहेगा बड़ा मुश्किल होता है। आप खुद सोचिए, आपने बचपन में कोई ऐसी चीज सीख ली हो किसी भी फील्ड में कहीं पर भी जो दिमाग में आपके बैठ गई है, उसको अनलर्न करना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर कमर चीमा ने यह भी बोला कि तबलीगी जमात को इन्हीं ने स्टार्टिंग में मतलब फंडिंग वगैरह की थी, और उसके बाद अब ये एकदम से उनको सोच रहे हैं कि बैन कर दें, अंडू कर दें, तो इस तरीके की चीजें होती नहीं है। तो आप आगे वीडियो देखिए और प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद। मैं एक वाक्य बताऊं कि वहां पे रेड सी के ऊपर, रेड सी पे जो सऊदी अरेबिया रेड सी फिल्म फेस्टिवल हुआ है, और रेड कार्पेट था वहां पे, जहां पे ये कहा जा रहा है कि तकरीबन जो ज्यादातर जो काम था वो खवातीन का था जो वहां पे रिप्रेजेंट किया गया जी, जो ज्यादा लोगों ने जो मूवीज थी वो खवातीन ने डायरेक्ट की हुई थी, और वो जो थी वो कर रही थी, और कहा जा रहा है कि 38% जो ऑफ 138 फिल्म जो थी वो 67 कंट्रीज थे, और ये 10 डे का फेस्टिवल था, और ये उधर से सलमान खान को बुला लिया, उधर से जस्टिन बीबर को बुला लिया, और वो कह रहे हैं कि हम खवातीन को प्रमोट कर रहे हैं, और ये जो फीमेल स्क्रिप्ट राइटर्स और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर है उनको हम कॉन्फिडेंस देना चाह रहे हैं। अब एक तरफ वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है, मूवीज हो रही हैं, रेड सी पे जो है वो फिल्म फेस्टिवल चल गए, दूसरी तरफ क्या है कि वो समझते हैं कि हमें जो है वो तबलीगी जमात पर पाबंदी लगानी है। अब सऊदीज के अंदर तो ये जारी बात है, वो मजहबी उलमा जो पूरी जिंदगी सऊदी अरब को देखते थे उनके लिए तो मातम सफे मातम बिछ गया। अब देखें कि क्या वो उलमा जो सऊदी अरब से पैसा लेते रहे हैं माजी में, जारी बात उन्होंने तो टकरा जाना है, वो कहते हैं जी कि ये क्या करते हैं सऊदी अरब जो है इसने जमात इस्लामी को दहशतगर्द करार दिया, इसने मुस्लिम जो कि पाकिस्तान इंडिया में थी, फिर इसने माजी में मुस्लिम ब्रदरहुड को दहशतगर्द करार दिया, हसन उल बन्ना मदूदी जितने लोग थे जो एफिलिएट रहे, क्योंकि ये सारे चैलेंज करते थे हाउस ऑफ सऊद को और कहते थे कि मुसलमान कभी भी ओआईसी ये सब चीजें नहीं हो सकती जब तक ये हैं। और मजे की बात है कि ये फिर अब आले सऊद को दज्जाल की हुकूमत कहते हैं, ये इतने डेरोगेटरी वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं मोहम्मद बिन सलमान और उनकी फैमिली के लिए, जो कि ऑब्वियसली गलत चीज है। और दूसरा आप देखें कि ये कितनी मुश्किल चीज है कि एक वक्त था सऊदी अरब इनको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन आज एक वक्त आ गया है कि सऊदी अरब कह रहा है कि ये इस्लाम की गलत तशरीह करते हैं। सो पहली चीज उन्होंने जो बताई, चार चीजें इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स की, पहली चीज तो उन्होंने कहा जी कि अपने जुमे खुतबे में बताएं ये मिसगाइड करते हैं,
ये एक खतरनाक ग्रुप है, ये दहशतगर्दी की तरफ पहला दरवाजा है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि इनकी प्रोमिनेंट जो मिस्टेक्स हैं जो तबलीगी जमात की, उनको हाईलाइट किया जाए जुम्मे के। अब जारी बात है, उन्होंने सारी मिस्टेक्स भेजी होंगी और वो जो खुतबा होगा वो पढ़ के सुनाया जाएगा। और तीसरा उन्होंने कहा जी कि मेंशन करें ये हमारे मुआशरे के लिए कितना बड़ा खतरा है। और चौथा उन्होंने कहा कि जी ये जो एफिलेशन है, इनके साथ जो एफिलेशन होगी तबलीगी और दावा ग्रुप के साथ, ये सऊदी अरब में प्रोहिबिटेड है, बैन है। अब ये क्लियर कट वार्निंग आ गई सऊदी अरब की तरफ से। अब आप देखें कि ये जो तबलीगी जमात है जो अपने आप को कहती है कि जी हम ए पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये सुन्नी इस्लामिस्ट मिशनरी मूवमेंट है जी, ठीक है जी, और ये वो कहते हैं जी हम तो प्रीचिंग पार्टी हैं, ये मुख्तलिफ ममालिक में, पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह जाते हैं और इस्लाम की तबलीग और इस तरह की चीजें करते हैं। अब इनका जो मसला पैदा हो गया वो तो जारी बात है, उनके साथ हो गया, सऊदीज के साथ हो गया, सऊदीज जो थे वो तो समझे जाते हैं, इनकी गढ़ समझे जाते हैं। अब जो दारुल उलूम है इंडिया के अंदर, उन्होंने भी कहा है कि सऊदी अरब जो है अपना इस बैन को देखे। जो चीफ रेक्टर हैं मौलाना अब्दुल कासिम नुमानी साहब इंडिया के अंदर दारुल उलूम, उन्होंने भी ये कहा है कि भाई ये तो गलत चीज है कि सऊदी अरब को इस तरह नहीं करना चाहिए था, और ये वो कहते हैं कि हम कंडेम करते हैं। अब क्या होगा अगर फॉर एग्जाम्पल ये जितने मजहबी ये लोग हैं, अगर ये सऊदी अरब के, जिस तरह वो एक मैं मौलवी साहब को सुन रहा था, वो उनको गलत गलत नाम से, टेरोगेटरी नाम से मोहम्मद बिन सलमान को और उनकी फैमिली को कर रहे थे, अब इनके ऊपर बैन लग जाएंगे, ये ट्रैवल नहीं करेंगे। और जारी बात है जहां जहां मुसलमान इनकी सऊदी एम्बेसी हैं वो टारगेट देख रहे हैं कि इस इंप्रेशन को पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में कैसे फील किया जा रहा है। सो जो मुसलमान जो तबलीगी जमात से लोग अटैच इन ममालिक में, उनके लिए मुश्किल वक्त आ गया। अब ये जो दावा ग्रुप को बैन करना या तबलीगी जमात को बैन करना, ये एक चैलेंज है। और इंडिया के अंदर अगर वो हुआ है, पाकिस्तान से मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि लोग इसको बड़ा जो है वो कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इसकी अभी तक मैंने किसी बड़े आलम क्लैरक को बोलते हुए नहीं सुना। डरते हैं बेचारे, वो डरते इसलिए हैं कि उनको पता है कि सऊदी अरब से ताल्लुकात ना खराब हो जाए। ये सारे जितने हमारे भी यहाँ पे जो मजहबी स्कॉलर हैं, ये तो या मजहबी मौलवी हैं, क्योंकि सब तो नहीं लेकिन कुछ जोन में होते हैं, वो तो जाके हरमैन शरीफैन और वहां पे जाके जो है वो अपनी कहानी सुनाते हैं, और वहां से कुछ चंदा चंदा चीजें ले आते थे जिसको अलाउ कर दिया जाता था, लेकिन अब वो तो दूसरी तरफ डायरेक्शन पे चल पड़े हैं। उन्होंने वो कह रहे हैं कि हमने तो सऊदी अरब को बनाना है एक मॉडर्न जो है वो प्रोग्रेसिव कंट्री बनाना है, ख्वातीन को एम्पावर करना है, ये सारी चीजें जो है वो एक और तरफ कह रहे हैं। और अभी अभी वो जो है वो सारे जो क्लैरिक्स हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं, वो इल्जाम ये लगा रहे हैं कि जनाब मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद, अच्छा मोहम्मद बिन जैद क्या करेगा, कोई वो उसके ऊपर नहीं आता, क्योंकि वहां पे कोई इस तरह की रिलीजियस जो है वो प्लेस मौजूद नहीं है, ना मक्का है ना मदीना है। मक्का मदीना सऊदी अरब में है, तो जो सऊदी अरब से बात निकलेगी उसका इफेक्ट होगा। सो मोहम्मद बिन जैद जो मर्जी करते रहे, किसी को कोई परवाह नहीं है, वो अगर इसराइल के ताल्लुकात ठीक हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, दैट्स फाइन फॉर देम। लेकिन अगर मोहम्मद बिन सलमान करेगा तो उसके लिए फिर उनको एक चैलेंज होगा, और वो अपनी परेशानी में चले जाएंगे कि भाई ये देखो इन्होंने तो हमें पकड़ लिया और हमें मुश्किल में डाल रहे हैं। सो मैं ये समझता हूं कि ये एक अच्छा कदम इस सेंस में है कि एक तो ये जो पैटर्नेज सऊदी अरब करता था मुस्लिम ममालिक में, वो पैटर्नेज बंद हो जाएगी। जो होस्ट ममालिक हैं, अगर कोई तबलीगी जमात का हिस्सा बनना चाहता है, अगर कोई तबलीग करना चाह रहा है, तो वो ये जरूर मेक श्योर करें कि उनकी की हुई तबलीग से कल कोई बंदा एक्सट्रीमिस्ट ना हो जाए, कल को कोई बंदा वायलेंट ना हो जाए, कल को कोई बंदा किसी इस डायरेक्शन में ना चल पड़े जिससे मुल्क और मुआशरे को खतरा हो। और अगर आप लोगों को जितना ज्यादा मजहब के करीब लेके आते हैं, ठीक है, मैं तो इस चीज में समझता हूं कि जितना ज्यादा कोई बंदा पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली मजबूत होगा, वो ऑटोमेटिक पता चलेगा यार ये देखो मुसलमान है। लेकिन ये स्पेशल इतने ग्रोह बन जाते हैं और ये घरों में जाकर लोगों को तंग करते हैं, कई दफा मैंने खुद भी इस पर महसूस किया है कि जाके लोगों को तंग करेंगे कि जी आप आए जरूर आए नमाज के लिए आए आए जरूर आए। हैरानी हो वो भी चलो बंदा बर्दाश्त कर लेता, कोई बात नहीं है, ठीक है, अगर कोई बहन भाई दोस्त आपके घर आ जाए तो आप उसको ना नहीं कर सकते, लेकिन हर इंसान को पता है, हर बंदा मुसलमान है, वो समझता है भाई मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानता हूँ, मैं कुरान पाक को मानता हूँ, मुझसे बेहतर कौन जानता है कि मैंने नमाज कब पढ़नी है या क्या करना है
या मैंने दुनिया के साथ किस तरह एंगेज होना है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये ऑब्वियसली दैट मेक्स अ सेंस टू एवरी ह्यूमन बीइंग इन पाकिस्तान एंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन अभी सिर्फ ये कह देना कि जी क्योंकि जो सऊदीज हैं उन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं तो ये जो है अब ये हुकूमत अब मुसलमानों की नहीं रही। और मोहम्मद बिन सलमान, देखिए मोहम्मद बिन सलमान को चाहिए लेजिटिमेसी, और मोहम्मद बिन सलमान जैसे मैंने पहले कहा था आउट ऑफ टर्न ही इज गोइंग टू बी द किंग। जब आउट ऑफ टर्न बनेगा वो अपने चचा को और बाकी लोगों को हटा के क्राउन प्रिंस बना, क्राउन प्रिंस उसको पता है मेरा वालिद साहब जो है किंग सलमान, अगर कभी भी उनकी वफात हो जाती है तो आई विल बी द वन हु विल टेक ओवर। सो जब आउट ऑफ टर्न जाते हैं और इंटरनेशनली सऊदी अरब के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, भाई आपका क्या मसला है? जैसे मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने और यूएस गवर्नमेंट ने कहा है कि जो जमाल खुश